खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको अल्मोड़ा लिए चलते हैं। उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट पर टमटा वर्सेस टमटा की लड़ाई है। 2009 में आरक्षित सीट घोषित होने के बाद से इस पर कांग्रेस के प्रदीप टमटा और बीजेपी के अजय टमटा के बीच मुकाबला होता रहा है। दोनों नेताओं ने एक एक बार जीत हासिल की और अब तीसरी बार आमने सामने हैं। चीन और नेपाल की सीमा से सटी ये है अल्मोड़ा लोकसभा सीट, जो उत्तराखंड के हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। इस लोकसभा सीट पर इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी के अजय टमटा और कांग्रेस के प्रदीप टमटा के बीच है। कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार प्रदीप टमटा पर दांव खेला है। वहीं बीजेपी ने भी अपने पुराने दलित चेहरे अजय टमटा को चुनावी अखाड़े में उतारा है। इस लोकसभा सीट पर 1996 से 2004 तक मुख्य मुकाबला कांग्रेस के हरीश रावत और बीजेपी के बची सिंह रावत के बीच रहा। 2009 में ये सीट आरक्षित श्रेणी में आ गई, जिसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप टमटा ने बीजेपी के अजय टमटा को शिकस्त दी। 2014 में भी दोनों नेता आमने सामने थे, लेकिन तब मोदी लहर में अजय टमटा ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप टमटा को हरा दिया। अजय टमटा ने 90,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला। इस बार भी अजय टमटा को पीएम मोदी के विकास पर जीत मिलने का भरोसा है। अभी का सारा चुनाव जो माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं उस पर केंद्रित है, क्योंकि जहां जिन लोगों को कभी गैस की उम्मीद नहीं थी मुझे गैस का कनेक्शन मिलेगा, उसको गैस मिला है। जिसको कभी बिजली मिलने की उम्मीद नहीं थी उसको बिजली मिला है। किसी को जो हम अपने खेतों में जो छोटी खेत के किसान है, कभी वो सोचते नहीं थे कि हमको किसान सम्मान योजना के माध्यम से हमारे खेतों में हल चल पाएगा। तो ऐसे योजनाओं का पूरा जो आम गरीब योजना को पहली बार उसने 70 साल की आजादी में उसको लगता है कि मुझे ये योजनाएं सरकार दे रही है और वो दे रही है मोदी जी। पिछली बार उत्तराखंड में लोकसभा की पांचों सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली, लिहाजा बीजेपी उत्तराखंड को फिर कब्जे में करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की उत्तराखंड के प्रति एक विशेष अनुराग भी है और उनका सोच भी है, जो मैंने कहा कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर किस ढंग से डेवलपमेंट होना चाहिए। माहौल टोटल मोदी जी के नेतृत्व में है, मोदी जी के कार्य से सारी जनता संतुष्ट है और उन्होंने जो देश में अभी हमारे भारत की जो पहचान बनाई है उससे सारी जनता को खुशी है और इसलिए सभी आदमी का जो है, हम घर घर जा रहे, मैं भी सोशल आदमी हूँ, मैं जो है हिंदुस्तान लिबर मार्केटिंग किया हुआ आदमी हूँ, ऑल पीपल आर कन्फर्म फॉर मी, तो हमने देखा तो इसीलिए हमारी इतनी जनता यहाँ पर सहयोग देने को आई। अल्मोड़ा सीट पर पिछले चुनाव में हार का मुंह देखने वाले प्रदीप टमटा को यकीन है कि इस बार जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। देखिए, मेरा जीतने का है, मेरा जो फोकस है मेरे विद्यार्थी जीवन से कि हिमालय को बचाना है, हिमालय को बचाएंगे तभी देश बचेगा। हिमालय के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने देश की सीमा पर भी अभी कुर्बानी दी है और अपने तमाम नेचुरल रिसोर्स को भी देश को बढ़ा दिया है, लेकिन विकास हमको भी चाहिए, नौकरी हमको भी चाहिए, अस्पताल हमको भी चाहिए, सड़कें हमको भी चाहिए, आखिर देश उस एवज में क्या दे रहा। चीन और नेपाल की सीमा से सटी अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र देश की सबसे दुर्गम लोकसभा क्षेत्रों में से एक है, लेकिन कद्दावर नेताओं की मौजूदगी के चलते ये सीट हमेशा चर्चाओं में रही है। इस बार इस सीट पर टमटा वर्सेस टमटा की जो लड़ाई है उसकी हैट्रिक लगने वाली है और ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि एक एक की बराबरी से चल रही लड़ाई में इस बार किसको बढ़त हासिल होती है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज अल्मोड़ा।